तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी के बारे में। तो कुछ दिनों से ओबिशा ओबिया मतलब फुकरा इंसान मोनिशा इन लोगों को लेके ट्विटर स्पेस पे डिबेट चल रहा है। और शायद आप लोगों को पता होगा फुकरा इंसान बोला था कि उनका फेवरेट यूट्यूबर ध्रुव राठी है। तो इन सभी चीजों को लेके ट्विटर स्पेस में फुकरा इंसान को थोड़ा सा हेट मिल रहा था। वीर चौधरी भी मोनिशा रानी के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड किए। तो ऐसे ही एक ट्विटर स्पेस में रिसेंटली वजाहत हसन ज्वाइन हुए थे, उसके बाद से ही उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए वजाहत हसन कल ये ट्वीट किया। इस ट्वीट को देख के वीर चौधरी को लगा कि वजाहत हसन उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद वीर चौधरी वजाहत हसन को रिप्लाई करते हुए कुछ ये ट्वीट किया। उसके बाद उन दोनों ट्विटर स्पेस पे लाइव आए थे। वीर चौधरी उनके वीडियो में मोनिशा रानी के बारे में ऐसा कुछ बोले थे जिसके ऊपर वजाहत हसन बिल्कुल खुश नहीं थे। तो उसी चीज को लेके और भी बहुत सारी चीजों को लेके ट्विटर स्पेस पे कल उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक वाला डिबेट हुआ। तो उस ट्विटर स्पेस में से कुछ पार्ट आप लोग भी देखिए। ये सबसे पहले तो कि जो वीर चौधरी भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ऑब्वियसली मतलब वो नहीं कहने चाहिए थे और मैं उस स्पेस में था ही नहीं। अगर मैं होता तो शायद मैं जरूर उन्हें रोकता, लेकिन कोई बात नहीं यार, गर्मा गर्मी में हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो जो भी बोला खैर गलत बोला, वो बोलना नहीं चाहिए था उन्हें। जो भी उन्होंने 4 फुट वाली बात बोली या मेरे DM में पड़ी रहती हैं भाई, इतना बड़ा बोल, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं ना, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में शायद भाई ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि चाहे कैरी मिनाटी हो, चाहे ट्रिगर्ड इंसान हो, चाहे XYZ कोई भी बड़े क्रिएटर्स हो, चाहे एलविश हो या कोई भी हो XYZ, वो भी ऐसी बातें नहीं करते हैं कि मेरे DM में मनीषा जैसी पड़ी रहती हैं। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वीर भाई अगर सुने तो ज़रूर मुझे मनीषा जैसी जो उनके DM में पड़ी रहती है ना, वो 4-5 ही प्रोफाइल भेज दें कि जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स हों और जिनके इंस्टाग्राम पे 7-8 मिलियन, मुझे नहीं पता कितने मिलियन हैं मनीषा के। टिप्पणी की बात करते हैं, आप टिप्पणी जो आपने की है, चलो मैं कहता हूँ, मैं गाली की बात वापस लेता हूँ। कौन सी टिप्पणी? मैंने जो टिप्पणी की है, आपने जो इस पे मनीषा को टिप्पणी दी थी 4 फुट वाली, और जो आपने एक और टिप्पणी की थी उसके ऊपर कि मेरे जीन खराब हो जाएंगे, वो टिप्पणी बजाज भाई आपकी हाइट कितनी है? आपके बराबर ही भाई, 5-8 है मेरी भी। 5-8 है ना, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, आपके जीन खराब नहीं होंगे। मैं उस हिसाब से बोला था, मुझे कोई अगर पोलियो का शिकारी बोले जिसकी DP नहीं लगी, किसने बोला? मनीषा खुद नहीं बोला, एल्विस वालों ने आपको ऐसा बोला था क्या कि वजाहत आपके रिलीजन के ऊपर बोला था आपके, इसलिए। अरे ब्रो अभी जाकर देख लो, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैं आपको, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, आप अपना ओपिनियन घुसाने के चक्कर में रह रहे हो, आप मैं उस चीज पे ओपिनियन नहीं दूंगा। वीर ने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं इस चीज पे ओपिनियन दूंगा, लेकिन मनीषा ने जो बोला क्या पता वो स्क्रिप्टेड हो। लेकिन वीर अपने गुस्से में, वीर फ्रस्ट्रेशन में ये नहीं बोल सकता, वीर के ऊपर केस करो, आपके मुंह से ये था, ठीक है, आपके ऊपर। आप ये बताओ, जो लोग मेरी माँ बहन को गालियां दे रहे थे उनके ऊपर क्या बोलने चाहते हो? वो आप बड़े बहुत ही खराब और घटिया किस्म के लोग होंगे, आपको डायरेक्टली उनके ऊपर। अच्छा वजाहत भाई, आपने अभी से आपका दोस्त है? बिल्कुल। अभी से आप इंटरव्यूज वगैरह देखते हो? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा आपने बिग बॉस देखा? वो भी किया मैंने, थोड़ा बहुत फॉलो। अच्छा आप बताइए कि मैंने एक, मेरी बातों में एक पॉइंट ये भी था कि जब अभिषेक मनीषा को बहन बोलता है, तो जो ये लोग हैं अभिषेक फैंडम वगैरह चला रहे हैं, वो उस चीज को हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भाई बहन के रिश्तों को सबसे ऊपर माना जाता है। ओके भाई जान, उस चीज को कि रोमांटिक चीजों में क्यों दिखाए जा रहे हैं, उस चीज के लिए भी मुझे गालियां पड़ रही थी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था और उस चीज में मुझे गालियां पड़ रही। आप मेरे 15 मिनट की वीडियो इग्नोर कर रहे हो, आप मेरे सारे ट्वीट्स को इग्नोर कर रहे हो, आपने वो 2 बात उठा ली कि उसने 4 फुट का क्यों बोला। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ इस चीज पे, तो आप मेरे ऊपर केस करवा दो, करवा दो। आप पहले मेरी चीजों पर ओपिनियन दो, मैंने जो बोला, जो मेरे खिलाफ बोला गया उस चीज पे बोल सकते हो आप। इफ यू हैव गट्स ऑन दैट टॉपिक देन हम अपनी कोनो शुरू करते हैं। बट वजाहत भाई आप मेरा वीडियो, आपने जो ट्वीट कर दिया ना, सम यूट्यूबर्स डिफेमिंग मनीषा रानी, डिफेमिंग का मतलब होता है कि आप बिना टॉपिक के, बिना किसी प्रूफ के, आप किसी के खिलाफ गलत इल्जाम लगा रहे हो, ये होता है डिफेमेशन। अभिषेक ने बहन बोला, ठीक है, अभिषेक ने जिया को भी बहन बोला, वो भी मैंने क्लिप देखी, शायद आपने भी देखा होगा, है ना, ठीक है। हाँ मैंने वो क्लिप नहीं देखी, आपको क्लिप मैंने देखी, पता नहीं है, मुझे स्क्रॉल कर, आपने जिया वाली क्लिप देख ली, लेकिन आपने भाई बजाज भाई आप है ना वीर चौधरी को गलत साबित करने क्यों लग रहा है आपको, ऐसा आपको क्यों लग रहा है ऐसा, आपको क्यों लग रहा है? आप 4,000 लोगों के सामने खुद को है ना क्या प्रूफ कर लिए, आप जब स्पेस बंद करोगे तब पता चलेगा। और मैं वीर चौधरी इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म करता हूं। अब अगर मेरे पीठ पीछे कोई भी बात हुई जिसमें मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके ले जाया गया, हिंदी बात करूं मैं वीर चौधरी, अगर मेरी कोई बातों को, मेरी कोई टिप्पणी को बिना किसी कंक्लूजन के किसी और वे में लेके जाया गया, तो मैं वो नहीं हूँ। अरे लक्षा भाई यार एक है ना प्रैंक वीडियो शूट करवा दो यार, एक रीच आ जाएगी, मैं वो नहीं हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो सच में उंगली कर देता है, उंगली करने वालों के डंडा कर देता है। और ये बातों को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लेके जाना वजाहत भाई, आप ना 4,500 लोगों के सामने, और ये स्पेस बाकी सारे भाइयों बंदों के पास भी जाएगा, उनको भी सुनाई देगा, और जिनमें अक्ल होगी वो समझेगा इस चीज को,
बाकी इसके ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स के साथ फुकरा इंसान का एक क्रेजी वीडियो आने वाला है। उसी के बारे में अपडेट देते हुए फुकरा इंसान एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा क्रेजी वीडियो विथ नेटफ्लिक्स हुन। अब बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। रिसेंटली पुनीत सुपरस्टार थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, तो पुनीत सुपरस्टार क्यों इमोशनल हो गए थे आप लोग खुद देख लीजिए। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी आप मेरी वीडियो देखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हंसाने के लिए ऐसा करता हूँ, आपको हंसाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ ये मैं कॉमेडी के लिए करता हूँ। मेरी कॉमेडी से आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई मेरी कॉमेडी देखकर रोया है। सिर्फ उसके चेहरे पे हंसी आई है और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा जो है उद्देश्य यही है, मेरा एंड यही है। और मेरा मतलब मेरे मुझे 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 सिर्फ लोगों को हंसाना है। तो मैं ये जो भी हरकतें करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए करता हूँ। अगर दोस्तों मैं अपनी वीडियो में तू तड़ाक करके बात करता हूँ, या फिर मैं किसी को तू तड़ाक करके तू था करके बात करता हूँ वीडियो में, तो दोस्तों वो मेरा एक कंटेंट है सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। चाहे कोई मेरे से छोटा हो या बड़ा हो, मैं सबको आप करके बात करता हूँ, अगर आप नॉर्मली मुझसे बात करोगे तो। तो दोस्तों मेरी वीडियोस के ऊपर कभी भी मत जाना और मेरे काम के ऊपर कभी भी मत जाना। ये सिर्फ सोशल मीडिया का पुनीत सुपरस्टार है, लेकिन जो दूसरा पुनीत सुपरस्टार है दोस्तों, वो आज आपके सामने यहाँ पर है। इस बात का ध्यान रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।